हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लिटोरिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज के लेक्चर में हम QSC जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम समझने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने एरिया के बारे में पढ़ा होगा और साथ ही साथ आपने प्लान के बारे में भी पढ़ा होगा कि कितने टाइप के प्लान होते हैं और बिल्डिंग के अंदर कितने टाइप के आपके एरिया होते हैं और उन एरिया की कैलकुलेशन आप कैसे करते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इम्पोर्टेंट टर्म्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो सबसे पहली टर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे, डेट इज सब हेड ऑफ आइटम वर्क। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, हमारी टेक्निकल टर्म जो अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज सब हेड ऑफ आइटम वर्क। क्लियर, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो डिटेल्ड एस्टीमेट हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा होल वर्क होता है उसको हम आइटम ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? आइटम वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं और डिटेल्ड एस्टीमेट को हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब अपने को समझना है कि सब हेड क्या कहलाता है या सब हेड ऑफ आइटम वर्क क्या कहलाता है। जैसे एक कोई प्रोजेक्ट आप करने के लिए जा रहे हो और उस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट जो सैंक्शन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि 10 लाख आपका क्या हुआ है, सैंक्शन हुआ है उस काम को करने के लिए। अब इस 10 लाख पे, मतलब इस टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क पर आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कैसे कंट्रोल रख पाओगे, कंट्रोल कैसे रखोगे। क्लियर, जैसे अगर एक एग्जाम्पल से समझें कि हम जॉब करते हैं, जॉब में हमें सैलरी मिलती है, जब हमारा एंड ऑफ द मंथ होता है एक सैलरी मिलती है, फिक्स अमाउंट हमें मिलता है, जैसे 50,000 मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उन 50,000 पे कंट्रोल कैसे करें। हम एक साथ तो 50,000 खर्च नहीं कर देते, हमारा रहता है कि भाई घर में राशन जो आना है उसके लिए 10 to 15,000 हमें देना है, बाकी हमारी ये पॉलिसीज वगैरह हैं इसमें इतना अमाउंट हमारा जाना है। क्लियर, तो आप उन 50,000 पे क्या कर रहे हो, उस टोटल जो आपकी सैलरी मिली है उस पर आप कंट्रोल रख रहे हो ना। तो सिमिलर यहाँ पे है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क है उसको अपन ने क्या कर दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क को सब डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? सब डिवाइड कर दिया, जिससे आप क्या कर सको, फाइनेंशियल कंट्रोल रख सको अपने टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क पर। क्लियर, तो आइए टेक्निकली अपन इसकी डेफिनेशन को समझते हैं क्या होता है। तो देखो, सब हेड ऑफ आइटम वर्क हमारा क्या कहलाता है, तो द टर्म सब हेड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सब डिवीजन। क्लियर, सब हेड किसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, सब डिवीजन इन टू विच द टोटल कॉस्ट ऑफ अ वर्क इज डिवाइडेड। क्लियर, जहां पे आपने क्या किया है, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क को डिवाइड करके रखा है। क्लियर, अब आपने ये किया किस लिए, तो आपने फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। क्लियर, आपको उस टोटल कॉस्ट पे क्या करना है, अपना फाइनेंशियल कंट्रोल रखना है। तो आपने क्या कर दिया कि सब हेड यहां पे क्या बता रहा है आपको, सब डिविजन बता रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क का। क्लियर, तो ये हमारा सब हेड कहलाता है। अब देखो यहां पे, अब आपने यहां पे देखा सब हेड ऑफ आइटम वर्क। क्लियर, ये आइटम वर्क हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा होल वर्क होता है उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क में उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखो यहां पे नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है कि होल वर्क इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लास ऑफ आइटम। हम पूरे के पूरे होल वर्क को डिफरेंट क्लास ऑफ आइटम्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, या फिर आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर के जो आइटम्स होते हैं या फिर उसमें डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, अब इनको क्या किया गया है, इनको ग्रुप्ड किया गया है अंडर सब हेड ऑफ वर्क। इनको कैसे ग्रुप्ड किया गया है, अंडर सब हेड ऑफ वर्क। क्लियर, अब वो कैसे ग्रुप्ड किया गया है उसको देखो, जैसे कि अर्थवर्क, दूसरा कॉन्क्रीट, तीसरा ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, वुड वर्क, स्टील वर्क, रूफिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा पेंटिंग एंड डिस्टेम्परिंग, व्हाइट वॉशिंग। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कलर वॉशिंग और मिसलेनियस आइटम्स। क्लियर, तो होल वर्क को डिफरेंट क्लास ऑफ आइटम्स या फिर आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर में हमने डिवाइड किया और इनको क्या कर दिया, अंडर सब हेड ग्रुप्ड कर दिया। आपने देखा है यहां पे कैसे कैसे हमने ग्रुप्ड किया हुआ है। अब समझना यहां पे
क्लियर कि हम फाइनेंशियल कंट्रोल रख कैसे पाएंगे यहां पे देखना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने यहां पे लिखा कि अंडर ईच सब हेड देयर आर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, मतलब एक सब हेड के अंदर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क आपके आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से यहां पे मैं समझूं कि हमारा जो सब हेड है वो अर्थवर्क है, हमारा जो सब हेड है वो क्या है, अर्थवर्क है। तो द कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क एज अर्थवर्क। अर्थवर्क में अब क्या क्या चीजें यहां पे इन्वॉल्व होंगी देखो, जैसे एक्सकेवेशन आपका हुआ, फिलिंग आपका हुआ और ड्रेसिंग आपका हुआ, तो ये पूरी की पूरी अर्थवर्क के अंदर आपकी आ जाए, किसके अंदर आ जाएगी, सब हेड जो अर्थवर्क आपने यहां पे लिया है, क्लियर, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक्सकेवेशन आ जाएगा, फिलिंग आ जाएगा, ड्रेसिंग आ जाएगा। एक और अपन एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सब हेड हमारा क्या है, कंक्रीट है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा सब हेड जो है वो क्या है, कॉन्क्रीट है। तो जैसे अब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपने लाइम कॉन्क्रीट किया है तो वो इस सब हेड कॉन्क्रीट के अंदर आ जाएगा, सीमेंट कॉन्क्रीट आपने किया है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, या फिर रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट की मैं बात करूं तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो सब हेड कॉन्क्रीट जो है उसके अंदर आपने आइटम ऑफ वर्क को क्या कर दिया है, ग्रुप्ड कर दिया है, क्लियर। यहां पे एक पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे आरसीसी की मैंने बात की है तो आप इस आरसीसी को सेपरेट सब हेड ऑफ वर्क भी कंसीडर कर सकते हो, क्लियर। आरसीसी को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट सब हेड ऑफ वर्क भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। अब आपने जब एस्टीमेट बनाया था तो वहां पे हमने देखा था कि क्या क्या डेटा आपने को रिक्वायर्ड होता है, क्लियर। तो वहां पे आपको रेट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, क्लियर। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो रेट्स होते हैं ये मुझे कहां से मिलते हैं, ये मुझे एसओआर से मिलते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट, क्लियर। क्या बोलते हैं इसको, शेड्यूल ऑफ रेट बोलते हैं। तो क्लियर, एसओआर से मुझे क्या मिलेगा, रेट्स मिलेगा। तो ये जो रेट्स आपको मिल रहे हैं एसओआर से, तो ये एसओआर किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है, ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, पीडब्ल्यूडी जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, क्लियर। तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये प्रिपेयर की जाती है, तो पीडब्ल्यूडी भी क्या करता है, शेड्यूल ऑफ रेट को ग्रुप्ड करता है सब हेड वाइज, क्लियर। ये चीज आपको याद रखना है कि जो एसओआर होता है उसके अंदर जो रेट्स आपको मिलने वाले हैं वो भी सब हेड वाइज वो अरेंज करके आपको देता है, क्लियर। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि द रेट्स इन द पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट्स आर ग्रुप्ड सब हेड वाइज, क्लियर। तो जो शेड्यूल ऑफ रेट रहेगा, क्लियर, वो कैसा रहेगा, ग्रुप्ड रहेगा सब हेड वाइज। और सब हेड हम यहां पे समझ चुके हैं, डेट इज द सब डिविजन इनटू विच द टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज डिवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखना, नेक्स्ट डिटेल एस्टीमेट्स के रिगार्डिंग एक पॉइंट है कि द डिटेल्ड एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड, क्लियर। यहां पर आप डिटेल्ड एस्टीमेट को क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर्ड सब हेड वाइज, क्लियर। आप डिटेल्ड एस्टीमेट को भी सब हेड वाइज क्या कर पाओगे, प्रिपेयर करोगे, एंड आइटम्स आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट सब हेड, और जो आइटम्स आपके हैं उसको डिफरेंट सब हेड में आप क्या कर दोगे, ग्रुप्ड कर दोगे। जैसे कि अर्थवर्क है तो अर्थवर्क में आपने क्या कर दिया, जैसे एक्सकेवेशन हुआ, फिलिंग हुआ, ड्रेसिंग हुआ, तो इनको ग्रुप्ड कर दिया किसके अंदर, अंडर सब हेड अर्थवर्क के अंदर, क्लियर। और ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं कि भाई जब हमारे प्रोजेक्ट का या वर्क का एग्जीक्यूशन चल रहा होगा तो आप फाइनेंशियल कंट्रोल रख पाओ टोटल कॉस्ट पर, क्लियर, क्या कर पाओ, फाइनेंशियल कंट्रोल आप रख पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ये डिस्कस कर लिया अभी, सब हेड ऑफ आइटम वर्क। तो ये चीज आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सब हेड क्या कहलाता है, या तो वो इसकी जो डेफिनेशन आपने यहाँ पे पढ़ी है या तो वो क्वेश्चंस के क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर देगा और पूछेगा इस टेक्निकल टर्म को हम क्या बोलते हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा सब हेड, क्लियर, एक छोटा सा बोल सकता है वो। तो आपको ये याद होना चाहिए डेट टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क को डिवाइडेड, क्लियर, डिवाइडेड करने के लिए हम इस टर्म्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और ये क्यों कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है सब वर्ग। अभी इसके पहले हमने सब हेड को समझा है, सब हेड ऑफ आइटम वर्ग्स। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? वो अलग है, ये अलग है, ठीक है? सब वर्ग अब क्या कहलाता है उसको समझते हैं, ठीक है? जैसा आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, या फिर एक लार्ज वर्क की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर सेवरल बिल्डिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? सेवरल बिल्डिंग्स होती हैं, या उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल वर्क होते हैं। क्लियर? एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या बोला, एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर या फिर लार्ज वर्क के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर बहुत सारे स्मॉल वर्क होते हैं। तो जो सेवरल बिल्डिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ या बहुत सारे स्मॉल वर्क की बात कर रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे जो वर्क होते हैं इसको हम सब वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब वर्क बोलते हैं। आइए देखते हैं सब वर्क क्या कहलाता है हमारा। अ लार्ज वर्क और प्रोजेक्ट, अ लार्ज वर्क और प्रोजेक्ट में कंसिस्ट ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स। क्लियर? और क्या होता है? स्मॉल वर्क। एंड ईच ऑफ दीज वर्क इज नॉन एज सब वर्क। ये चीज आपको याद रखना है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो, उसके अंदर सेवरल बिल्डिंग्स या फिर स्मॉल वर्क कंसिस्ट होते हैं, और इन इन वर्क्स को या इन बिल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? सब वर्क बोलते हैं, ठीक है? और इसके पहले जो हमने सब हेड समझा है, सब हेड हमारा क्या हो रहा था? सब हेड टर्म हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे थे कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क है उसका सब डिवीजन फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। और सब वर्क यहाँ पे क्या है? एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो स्मॉल वर्क है। क्लियर? क्या है? जो स्मॉल वर्क है और सेवरल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं उसको हमने सब वर्क बोला है, ठीक है? आप देखो जो हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट होता है, ये चीज याद रखना है आपको, डिटेल्ड एस्टीमेट जो हमारा होता है डेट इज मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट। क्लियर? ये हमारा क्या होता है? मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट होता है। तो डिटेल्ड एस्टीमेट ऑफ ईच सब वर्क इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली। हर सब वर्क के लिए आप डिटेल्ड एस्टीमेट क्या करते हो? सेपरेटली प्रिपेयर्ड करते हो। एंड अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आर केप्ट सब वर्क वाइज। और जो एक्सपेंडिचर का आपका अकाउंट है उसको भी आप सब वर्क वाइज रखते हो। क्लियर? क्या रखते हो? सब वर्क वाइज रखते हो। किसको? अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। क्लियर? अब अपन समझते हैं यहां पे कि एक लार्ज वर्क की मैं बात कर रहा हूं या फिर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे यहां पे इन्होंने बोला कि सेवरल बिल्डिंग्स होती हैं या फिर स्मॉल वर्क होते हैं, तो एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि जैसे कि मैंने एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट लिया है। क्लियर? मैंने क्या लिया है? एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट लिया है। तो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में जो स्मॉल वर्क आपके इंक्लूड होंगे वो क्या होंगे? जैसे कि पहला है मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग, आउट पेशेंट वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, रेसिडेंट, डॉक्टर्स क्वार्टर्स, नर्सेस क्वार्टर्स, किचन ब्लॉक्स एंड रोड। तो ये जो आप यहां पे देख रहे हो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ये वर्क यहां पे इंक्लूड किए गए हैं, स्मॉल वर्क जो आपके इंक्लूड किए गए हैं, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके सब वर्क कहलाते हैं। क्लियर? ये आपके क्या कहलाते हैं? सब वर्क कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टर्म यहां पर है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। क्लियर? अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, अगर एक सिंपल से दो शब्दों में मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर्मल एक्सेप्टेंस। मतलब देखो अगर मुझे किसी के साथ काम करना है, अगर मैंने बोला कि मेरी ये नीड है, मुझे ये काम करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक प्रपोजल दूंगा। क्लियर? मैं क्या करूंगा? एक प्रपोजल दूंगा और उस प्रपोजल का जो एक्सेप्टेंस होगा क्या होगा कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। क्लियर? एक एक्सेप्टेंस जो होगा, फॉर्मली जो एक्सेप्टेंस आपका होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, अगर सिंपल दो शब्दों में इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? फॉर्मल एक्सेप्टेंस। क्या बोल सकता हूं? फॉर्मल एक्सेप्टेंस। अब समझते हैं कि फॉर्मल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। क्लियर? देखो यहां पे
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो होता है ये डिनोट करता है किसको, ये डिनोट्स करता है किसको, फॉर्मल एक्सेप्टेंस को। क्लियर। अब ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस मतलब क्या, जैसे भाई मुझे कोई काम करना है, क्लियर, मेरा जो डिपार्टमेंट है मेरे डिपार्टमेंट को कुछ काम करना है, तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक प्रपोजल देगा। क्लियर, क्या देगा, एक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए क्या करेगा, एक प्रपोजल देगा, और एक मतलब आप समझ सकते हो कि एक लेटर टाइप में होगा। क्लियर, जिसमें इस वर्क के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। क्लियर, और उसका जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस होगा वही हमारा क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है। क्लियर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिनोट्स द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न ऑफ द प्रपोजल। क्लियर, जो प्रपोजल आपके द्वारा दिया जा रहा है, जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाएगा, एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाएगा, तो ये जो प्रपोजल आपका है ये किसको दिया जाएगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ये प्रपोजल दिया जाएगा। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होगा, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रपोजल के रिगार्डिंग क्या किया जाएगा, एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को प्रिपेयर किया जाएगा, प्रीलिमिनरी प्लान प्रिपेयर किया जाएगा, और इसको सबमिट कर दिया जाएगा कंसर्न फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, और इसको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए क्या कर दिया जाएगा, सबमिट कर दिया जाएगा। डेट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब यहां पे देखो, ये तो समझ में आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मतलब फॉर्मल एक्सेप्टेंस हो गया, जो प्रपोजल हमारे द्वारा दिया गया था, उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ये दिया गया, उसके द्वारा अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बनाया गया, प्रीलिमिनरी प्लान बनाए गए, और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया गया। भाई इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी जो आती है वो आती है टेक्निकल सैंक्शन। अब टेक्निकल सैंक्शन का मतलब यहां पे समझना, ये तो हमारा एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस यहां पे हो गया है। क्लियर, टेक्निकल सैंक्शन का मतलब होता है मींस द सैंक्शन ऑफ, यहां पे आपने अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बनाया, प्रिलिमिनरी प्लान आपने बनाया। टेक्निकल सैंक्शन में मतलब ये होता है कि जो आपके द्वारा डिटेल्ड एस्टीमेट सैंक्शन, किसका, डिटेल्ड एस्टीमेट का सैंक्शन होना, जो डिजाइन कैलकुलेशंस की गई हैं, जो क्वांटिटीज ऑफ वर्क को फाइंड आउट किया गया है, जो रेट्स यहां पे निकल के आए हैं, जो कॉस्ट ऑफ द वर्क आपका आया है। क्लियर, तो बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दैट्स कॉल्ड द टेक्निकल सैंक्शन। इसको हम टेक्निकल सैंक्शन बोलते हैं। मतलब टेक्निकल सैंक्शन अगर हो जाएगा तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क ले सकते हो। देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट वही बोला है, आफ्टर द टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द एस्टीमेट, जब आपके एस्टीमेट का टेक्निकल सैंक्शन हो जाता है, इज गिवेन, देन ओनली द वर्क इज टेकन अप फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए इस वर्क को लिया जा सकता है। क्लियर, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो टेक्निकल सैंक्शन की अगर मैं पावर की बात करूं, कि द पावर ऑफ टेक्निकल सैंक्शन जो आपका होता है, ये स्टेट टू स्टेट क्या करता है, वेरी करता है। क्लियर, जैसे अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, क्लियर, या फिर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो ये डिफरेंस रहेगा स्टेट टू स्टेट। क्लियर, जो पावर ऑफ टेक्निकल सैंक्शन यहां पर होगा, तो आइए देखते हैं पावर ऑफ टेक्निकल सैंक्शन। तो नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे कि टेक्निकल सैंक्शन की जो पावर की अपन बात कर रहे थे, क्लियर, तो मैं आपको यूपी स्टेट की पावर के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं। क्लियर, नेक्स्ट हमने अभी जो डिस्कस किया था पावर ऑफ टेक्निकल सैंक्शन, क्लियर, और मैंने आपको अभी बताया है कि स्टेट टू स्टेट ये क्या करता है, वेरी करता है। अभी अपन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए, कि उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए पावर ऑफ टेक्निकल सैंक्शन क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले मैंने किसकी बात की है, यहाँ पे द चीफ इंजीनियर की बात की है, उसके बाद द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की बात की है, एसी की मैंने बात की, और नेक्स्ट हमारा क्या है, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। क्लियर, अगर मैं सी की बात करूं, चीफ इंजीनियर की बात करूं, तो इसके पास फुल पावर होती है। क्या होती है, फुल पावर होती है। क्लियर, और जो हमारा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होता है, एसी जो हमारा होता है, इनके पास कितना पावर होता है, अप टू रुपीज 15 लाख। क्लियर, 15 लाख तक का इनके पास टेक्निकल सैंक्शन का क्या है, पावर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास अप टू 5 लाख। क्लियर, 5 लाख रुपए तक का
पावर रहता है। तो ये हमने उत्तर प्रदेश की बात की है, क्लियर। आप लोग कमेंट में मुझे एमपी के बारे में बताना कि एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर चीफ इंजीनियर को कितना पावर है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को कितना पावर है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कितना पावर है टेक्निकल सैंक्शन के लिए, क्लियर। अब टेक्निकल सैंक्शन हमारा यहां पे हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म यहां पे आती है वो आती है आपकी एक्सपेंडिचर सैंक्शन। अब एक्सपेंडिचर सैंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर सैंक्शन का मतलब ये होता है कि फंड का अलॉटमेंट या फिर मनी का अलॉटमेंट, जो भी आप स्पेसिफिक वर्क करना चाहते हो उस वर्क के लिए जो फंड का अलॉटमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर सैंक्शन बोलेंगे। और जो एक्सपेंडिचर सैंक्शन यहां पे किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो देखो यहां पे एक्सपेंडिचर सैंक्शन में मैंने क्या लिखा है कि एक्सपेंडिचर सैंक्शन मींस अलॉटमेंट ऑफ फंड और मनी फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। यही मैंने अभी आपको बताया है कि फंड और मनी का अलॉटमेंट होना किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए एंड यूजुअली अकॉर्डेड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्लियर। ये किसके द्वारा किया जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने जो टेक्निकल टर्म यहां पर डिस्कस की है, सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो किया था सब हेड ऑफ आइटम वर्क, क्लियर। क्या किया था, सब हेड ऑफ आइटम वर्क हमने डिस्कस किया, इसके बाद हमने सब वर्क को डिस्कस किया, इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात यहां पे की है, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमारा क्या होता है। इसके बाद हमने टेक्निकल सैंक्शन यहां पे देखा है कि टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है, क्लियर, ये जो टर्म हमारी है, क्लियर। तो टेक्निकल सैंक्शन हमने देखा है, इसके बाद हमने यहां पे एक्सपेंडिचर सैंक्शन की हमने बात की है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में ये पांच इंपॉर्टेंट जो टर्म हमारी थी ये हमने डिस्कस की है। साथ ही साथ मैंने आपको ये बोला है कि पावर ऑफ टेक्निकल सैंक्शन जो है यह आपको एमपी में मुझे बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो कि एमपी में चीफ इंजीनियर को कितना पावर है, एसी को कितना पावर है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कितना पावर है, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की टेक्निकल टर्म्स को हम समझेंगे, जैसे कि बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या होती है, एसओआर क्या होता है, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स क्या होता है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद कर रहा है तो आप लेक्चर को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।